Hello friends, my Nirpendra Yadav, Senior Research Analyst at Swastika Investmart Limited. Jackson Hole Symposium में Fed प्रमुख जेरोम पावेल ने संकेत दिए हैं कि संपत्ति खरीद कार्यक्रम साल के अंत तक घटाया जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर ब्याज दर वृद्धि के संकेत नहीं है, क्योंकि श्रम बाजार में पर्याप्त सुस्ती और महामारी जारी रहने के साथ गलत समय पर नीतिगत कदम विशेष रूप से हानिकारक हो सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में इस वीक नीचे से बाइंग आने के आसार नजर आ रहे हैं। गोल्ड में 46,800 पर सपोर्ट है और 47,800 पर रेजिस्टेंस है। क्रूड ऑयल में भी तेजी रह सकती है और 5,200 तक के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। नेचुरल गैस भी अपसाइड रहने की संभावना नजर आ रही है। 329 तक के लेवल्स इसमें टेस्ट हो सकते हैं। नेचुरल गैस को करेक्शन होने पर बाय कर सकते हैं। इसमें 313 पर सपोर्ट है। चाइना की तरफ से 1 सितंबर से बेस मेटल्स का नया सप्लाई आने की खबर है। बेस मेटल्स में इस वीक सेलिंग का प्रेशर रह सकता है। कॉपर में 725 पर रेजिस्टेंस है और 707 पर सपोर्ट है। स्काईमेट द्वारा गुजरात राजस्थान में सूखा पड़ने के पूर्वानुमान और अफगानिस्तान में चल रहे टेंशन के कारण लास्ट वीक जीरा, ग्वार सीड और ग्वार गम के प्राइस में हाई वोलेटिलिटी रही। ग्वार गम का पुराना स्टॉक मार्केट में होने से हाजिर में सप्लाई बढ़ गया है। इस वीक के लिए ग्वार सीड और ग्वार गम में हाई वोलेटिलिटी रह सकती है। सोयाबीन में बिकवाली का दबाव है। सोया रिफाइंड और सीपीओ में भी सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। आरएम सीड करेक्शन पर बाय बन सकता है। इसमें 7650 पर सपोर्ट है, जबकि टीएमसी, जीरा और धनिया इस वीक रेंज बाउंड रह सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।